आज रौनकाबाद के तमाम नौजवान और ज़िम्मेदार लोग सुहेल हॉस्पिटल के अंदर जमा है। उसकी वजह यह है कि 5 साल हसनैन शेख लड़का जो है वो घर का काम शुरू था और वो पानी की टाँकी के अंदर डूब के उसका इंतकाल हो गया, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसको बच्चे को घर वाले दोपहर से ढूंढ रहे थे, सब गली मोहल्ले के लोग परेशान थे। शकील तैराक को बुलाया गया और एक पानी की टाँकी के अंदर वो बच्चा पाया गया। घर का काम चालू था, घर वालों से हमारी बात हुई, घर वालों का ऐसा बोलना कि हमने 2 टाइम उसके ऊपर प्लेट रखे थे, किसी ने प्लेट चुरा के ले कर चले गया। यह आदेशाती मौत है और अपने बच्चों के ऊपर अगर गली मोहल्ले के अंदर काम चालू हुआ होता ऐसा तो बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और जिनके घर का काम चालू है उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि एक जान किसी के घर की चले जाती है, बच्चे की घर गई है तो उसके घर वालों के ऊपर जो गुजर रही है उनको मालूम। बहरहाल ये आदेशा है, अल्लाह ताला जिस घर का बच्चा गया है उनको भी सब्र दे और अल्लाह ताला बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हम तमाम लोग अहलियान महल्ला दोस्त बिरादर मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते उनके गम में बराबर का शरीक है। और लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर के सामने अगर घर का काम चालू है तो अपने बच्चे पे तवज्जो देना चाहिए। मेरी यही अपील है लोगों, शहर के लोगों से। आज बरोस जुमा, आज तकरीबन 11 बजे मुझे फ़ोन आया आरिफ यैया मेंबर और खालिद इसके साहब का कि रौनकाबाद छठी गली में एक पानी की टाँकी है, उसमें हो सकता है एक बच्चा गिरा हुआ है, सुबह से उसकी तलाश कर रहे थे। मैंने फौरन घर पर ही था और बाइक लेकर मौके वारदात पे पहुंचा और देखा कि एक नया मकान तामीर हो रहा है वहाँ और तकरीबन वो सेफ्टी टैंक है, उसमें 8 से 10 फीट पानी था। मैं फौरन वहाँ पहुंचा और रेस्क्यू कॉल शुरू किया और तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही लड़के को तलाश कर बाहर निकाला। और लड़के का नाम है हसनैन शेख मुबीन, उम्र 5 साल। मेरा शहरियान से यही अपील है, अगर मालेगांव शहर में कहीं भी नया घर तामीर हो रहा है, उसकी काम हो रहा है और सेफ्टी टैंक आपने पानी भर कर रखा है, तो घर बनाने वालों को चाहिए कि सेफ्टी टैंक को पानी भरने के बाद मुकम्मल तरीके से ब्लॉक कर देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हर गली में बच्चे रहते हैं, बच्चे खेलते खेलते वहाँ जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज एक कीमती जान चली गई, शहरियान से यही अपील है, नया बांध काम है और पानी सेफ्टी टैंक में भरा गया है तो उसे बंद करके रखें।